क्या कार्यक्रम है आप, क्या आप संदेश देना चाहते हैं? पिछड़ा अति पिछड़ा ISC हम समझते हैं, और राष्ट्रीय जो जनगणना बिहार में जनगणना हुआ वो ACका 36% और AC का 20%, तो 36 और 20 56 होता है। ऐसे परिस्थिति में AC के लोग और EBC के लोग सत्ता में अपना योगदान जो है महत्वपूर्ण रूप से, लेकिन लोग जीतने की बात आती है तो इनको हाशिए किनारे पर डाल देते हैं। इसलिए लगा कि हम लोग SC के लोग और EBC के लोग 36 और 20 56% लोग एक होकर के गोलबंद होकर के कोई भी दल को हम लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो उनको नज़र खुलेगी कि इनका भी हक बनता है। हमारी 36 और 80% के बराबर हक नारी होता है, इसीलिए मैंने इसको गोलबंद कर करके इस जो खास करके जो गरीब के बेटा श्रवण कुशवाहा जी हैं, जो अभी चुनाव में थे माननीय तेजस्वी यादव ने उनको एक गरीब का बेटा को जो प्रत्याशी बनाया, अमीर को बोता कर छोड़ा, जात पात से ऊपर उठ कर करके ये काम किए, इनको टिकट मिला, ये जिसके चाहे टिकट दिए, टिकट देने के बाद में हम ये चाहते हैं कि हम तमाम पिछड़े अति पिछड़े लोग SC के लोग सब मिलजुल कर करके एक गरीब का बेटा को जिताने का काम करेंगे, और ये हमारे जीत तो उसको होंगी ही, ये इसका मकसद है कि ये 2-3 लाख से भी ज़्यादा से ये जीत हासिल करें, इसके लिए मैं तो आप लोग समर्थन करेंगे RJD उम्मीदवार, RJD उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा जी को, जो महागठबंधन का उम्मीदवार है। हम चाहते हैं कि ये लोग तो जीतने ही वाले थे, लेकिन जब 56% इनका कॉपरेशन करेगा तो इनकी जीत जो है ना, हम समझते हैं कि 80% जीत होगी और 20% दोनों सब बढ़ करके ऐसी आ जाएंगे, इनका कोई वजूद नहीं रहेगा। ये मेरा दावा है, चैलेंज है, ये आंकड़ा बताता है और साफ है कि श्रवण कुशवाहा को कोई रोक नहीं सकता। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूर्यदेव प्रसाद है, मैं जिला परिषद सदस्य सकपत पर भाग संख्या 12 से। क्रम के बारे में बताएं कैसे? सबसे पहले मैं मीडिया प्रभारी लोग का, मीडिया लोग का मैं नमस्कार करता हूं, और आप सब हमारे मंच पर आए हैं इसके लिए धन्यवाद। इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि हम लोग यहाँ अनुसूचित जाति का जनसंख्या बहुत रहा है और हम रजवंशी जाति से आते हैं, इसको हम लोग संवैधानिक रूप से रजवार हैं। हम लोग का 4.5 लाख वोट है, 4.5 लाख वोट में से हम लोग 50% वोट BJP के ही करते आ रहे थे। आज के दौर में कम से कम 20 साल से हम लोग BJP के वोट देते आ रहे हैं, मगर 20 पैसा का बेनिफिट आज तक ले BJP वाले रजवंशी समाज को नहीं दिया, और नहीं देने के कारण रजवंशी यहाँ तहखाने में चला गया। अब किसी प्रकार का न रोजगार है, न शिक्षा है, और न किसी प्रकार के साधन है। इस बार हम लोग इस बार मन पलटने की बात की है कि BJP से अब इस बार मन पलट के यहाँ का जो स्थानीय बेटा है, यहाँ का नेता और यहाँ का बेटा को हम लोग ने सिलेक्ट कर रहे हैं, और गरीब का बेटा को ही हम लोग सिलेक्ट करेंगे। इससे बेनिफिट यही होगा कि हमारे नवादा जिला का बेटा रहेंगे तो नवादा जिला कहीं के बारे में ही सोचेंगे, क्योंकि कोई भी बेटा अपना घर के बारे में सोचता है, और यहाँ का संसाधन के बारे में देखा जाए कि नालंदा और नवादा दोनों के बीच की दूरी देखा जाए तो हम लोग कोसों दूर हैं। नवादा देखा जाए कि पताल है और नालंदा यहाँ आसमान है, और इस कारण से हमारे नवादा जिले पर किसी राजनेता का नज़र नहीं है, किसी बड़े नेता की नज़र नहीं है कि इसका विकास के बारे में आज तक ने नवादा का सोचा ही नहीं। अगर यहाँ के लोग जीत के जाने के बाद फिर उनका जहन में भी नहीं आता है कि हम नवादा से जीत के आए हैं कि नवादा में कुछ विकास करना है। आज तक ले जितने के तक ले ही सरकार प्रयास करते हैं, जितने के बाद
आज तक नवादा को पलट के नहीं देखते, नहीं यहाँ के विकास के बारे में सोचते हैं, नहीं यहाँ शिक्षा के बारे में सोचते हैं, नहीं यहाँ का डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जिनको आप समर्थन कर रहे हैं उनको आप लोगों को कुछ मांग भी रहेगा क्या? हाँ, जिसको हम समर्थन कर रहे हैं क्योंकि मेरा बेटा नवादा का बेटा है और नवादा का बेटा रहने के कारण हम लोग इसको इसलिए समर्थन कर रहे हैं क्योंकि वो अपना गांव कहीं देखेंगे, अपना घर कहीं देखेंगे, अपना परिवार को ही देखेंगे, अपने शहर को ही देखेंगे, इसलिए इनको सपोर्ट करना मेरा लाचारी है, मेरा मजबूरी है, मेरा सहयोग भी रहे। मेरा नाम अशोक कुमार राजवंशी है, मैं पिछड़ा अति पिछड़ा अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति का मैं एक सदस्य हूँ और इसका मुख्य कार्यकर्ता हूँ मैं।